हाई स्पीड कॉरिडोर को हरी झंडी मिल चुकी है और 4,613 करोड़ की लागत से अब ग्वालियर आगरा 6 लेन बनेगा। ग्वालियर से आगरा की दूरी सिर्फ 121 से घटकर 88 किलोमीटर हो जाएगी। ग्वालियर से आगरा की दूरी 32 किलोमीटर कम हो जाएगी। 3 घंटे का सफर अब सिर्फ 1 घंटे में पूरा होगा। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2022 में इसकी मांग की थी, जो कि अब बहुत जल्द आपको ग्राउंड जीरो पर नजर आएगी। ग्वालियर और आगरा के बीच की दूरी कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ 6 लेन हाईवे बनेगा। 32 किलोमीटर कम हो जाएगा, पहले के हिसाब से 121 किलोमीटर होता था लेकिन अभी 88 किलोमीटर हो जाएगा। जहां 3 घंटे लगते थे वहां महज 1 घंटे में आप ग्वालियर से आगरा और आगरा से ग्वालियर का सफर तय करेंगे। चार करोड़ की लागत से यह लेन बनेगा, वो भी 6 लेन। एक मूवी आपको याद होगी, अ वेडनेसडे, जिसमें कोरी धमकिया देकर एक कॉमन मैन सिस्टम को हिला देता है। मूवी में आरोपी कानून की नजरों से बच जाता है, लेकिन मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में ये कॉमन मैन बम बच ना सका और ऐसे में जिसके ईमेल से सिस्टम थर्रा गया था। देखिए पूरी रिपोर्ट। धमकी भरे ईमेल से हिला सिस्टम। पाकिस्तान आईएसआई का जिक्र, किसकी साजिश? इंटरव्यू में इंतजार, बना साजिश का प्लान। लड़की से मुस्कुराकर बात, दिल में इंतकाम। सिस्टम को सबक सिखाने रची साजिश। मिनी मुंबई में कॉमन मैन बम। 20 जुलाई को एक ऐसा ईमेल इंदौर के आईआईटी कैंपस के केंद्रीय विद्यालय में आया कि प्रशासन ही हिल उठा। ईमेल में स्कूल को 15 अगस्त को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। पाकिस्तान आईएसआई का जिक्र था। इस धमकी भरे मेल पर पुलिस की टीम ने पूरे स्कूल में सर्चिंग की। बॉम्ब स्क्वाड टीम भी चप्पे चप्पे पर तलाशी ले रही थी, क्या ये कोई साजिश है या फिर किसी आतंकी संगठन की कारस्तानी। लेकिन खोदा पहाड़ और निकला कॉमन मैन। सुनिए इस आरोपी को। प्लेइंग नहीं थी, मैं कोई इरादा नहीं है, ना तो मैं किससे कनेक्टेड हूँ, ना तो किसी भी संगठन का कोई आदमी हूँ, तो कुछ भी नहीं। आई एम जस्ट अ कॉमन मैन। किसी आतंकी संगठन ने यह साजिश नहीं रची, न ही इस धमकी भरे मेल का किसी गैंग से कोई कनेक्शन था, बल्कि सिस्टम के ढर्रे से परेशान या कहें बदला लेने की सनक में चेतन सोनी ने यह मेल किया। चेतन बड़नगर का रहने वाला है, DAVV के 2015 बैच में MCA है। पिछले महीने जब चेतन इंदौर के IIT कैंपस स्थित केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था, तब क्या हुआ सुनिए। पर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इंटरव्यू, जैसे कि सुबह 11 बजे बुलाया है ना, मैं एरोड्रोम पे रहता हूँ और वहाँ से 11 बजे गया और शाम तक 6-7 बजे तक इंटरव्यू चला। पर मैंने वहाँ ये महसूस किया कि वहाँ हो रहा है भेदभाव। किस टाइप का? सपोज अगर किसी कोई पहचान का है ना, मतलब लाइक पॉलिटिक्स, तो वहाँ पर उन लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है ना। तो ये तो मतलब सिंपल सी बात है, गलत है ना। क्या आप कैपेबल हो, आप एजुकेटेड हो और आप उनसे बेहतर हो, पर प्रायोरिटी किसको मिल रही है? जो जेंडर वाइज। इंटरव्यू के दिन सुबह से शाम हो गई लेकिन नंबर नहीं आया। ऊपर से इंटरव्यू बोर्ड का इंटरव्यू देने आई एक लड़की से हंस हंस कर बात करना, चेतन को ये लगने लगा कि उसका ना तो कोई जैक है और जेंडर को लेकर भी ये भेदभाव। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार इसमें लगी रही और इसमें जो तथ्य सामने आया है कि एक चेतन सोनी नामक व्यक्ति जो कि 30 साल का है, जिसने MCA कंप्यूटर्स किया हुआ है और लगातार वो जॉब के लिए प्रयास कर रहा था। उसने KV में भी जॉब अप्लाई किया परंतु उसको जॉब नहीं मिली। इसी निराशा से और इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण उसने बॉम्ब थ्रेट वहां पर ईमेल किया। मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए गया है ना, तो उसमें 12 लोग थे और मेरा 11वां नंबर था। तो मेरे आगे एक लड़की थी, तो मैंने ये नोटिस किया कि अंदर जो बोर्ड था मीटिंग ले रहा था वो उस लड़की से, जो फीमेल कैंडिडेट थी, उससे हंस हंस के बात कर रहा था। हाँ,
बिल्कुल मैंने सुना, और बाहर जो क्यों भेजा था वो मेरे को इशारा कर रहा है कि अच्छा ठीक है इसका हो गया ना, अच्छा ठीक है हो गया। तो सिस्टम को सबक सिखाने के लिए आरोपी ने ये साजिश रची, लेकिन सवाल है कि ये कहां की समझदारी है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। अशोकनगर में सिलेंडर में भरा ट्रक पलटा, ड्राइवर क्लीनर को सुरक्षित निकाला गया बाहर। कांकेर में खड़ी नदी में बही महिला की लाश, 1 अगस्त को नदी में बही थी महिला। बाजार में बारिश के पानी ने विभाग की पोल खोल दी, नगर पंचायत रोहानसी के मुख्य मार्ग में भरा पानी। रायसेन में रपटे को पार करने के दौरान पानी में बहे 2 युवक, 1 को बचाया, दूसरे की तलाश जारी। नरसिंहपुर में बारिश के कारण गिरा कच्चा मकान, हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 घायल। सीहोर में भारी बारिश के चलते खोले गए डैम के 4 गेट, डैम का वाटर लेवल मेंटेन रखने के लिए गेटों को खोला। बैतूल में शराबी पिता ने 7 महीने के बच्चे को जमीन पर पटका, साली के साथ शादी की जिद पर अड़ा आरोपी। ग्वालियर में डेंगू का कहर जारी, डेंगू के मिले 3 नए मरीज, जिले में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 143। गरियाबंद में देवभोग में फ्लोराइड युक्त पानी पीने से स्कूली बच्चों के हो रहे दांत पीले, 40 स्कूलों में लगाए गए फ्लोराइड रिमूवल प्लांट। मनिंद्रगढ़ में शराबी प्रिंसिपल निलंबित, शराब के नशे में कर्मचारियों के साथ की थी अभद्रता। दमोह में नरसिंहपुर में रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय आज आरंग का करेंगे दौरा, पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का लोकार्पण करेंगे। दिल्ली के दौरे पर पीसीसी चीफ दीपक बैज, दिल्ली में पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट से करेंगे मुलाकात। ग्वालियर आगरा 6 लेन हाईवे हाई स्पीड कॉरिडोर को हरी झंडी, 4,613 करोड़ की लागत से बनेगा ग्वालियर आगरा 6 लेन। एमपी में भारी बारिश को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन को अलर्ट किया, जनता से भी सावधान रहने को कहा। कोरबा में मां ने 2 बेटों के साथ मिलकर की चोरी, चोरी की रकम में से लोगों को खिला रही थी खाना, आरोपी महिला गिरफ्तार। राजनांदगांव में चावल चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार, एफसीआई गोदाम के सामने खड़े ट्रकों में करते थे चोरी। मुंगेली में नहर में मिले शव की सुलझी गुत्थी, नाबालिग ने की थी हत्या। जांजगीर में मोबाइल लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 1 मोबाइल बरामद, अकलतरा पुलिस ने कार्रवाई की। जबलपुर की जाबाज कांस्टेबल का अनोखा संकल्प, कांस्टेबल वर्षा पटेल 15 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट जेस्को में तिरंगा फहराएंगे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।